मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी एक्सरसाइज नंबर 11.6। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉलोइंग। हमें आरे पास टू टाइम्स दिए हुए हैं, उनके बिटवीन यानी कि बीच का टाइम हमें कैलकुलेट करना है, 6:30 AM एंड 8:10 AM। इन दोनों के बीच का मिडिल टाइम वो क्या है वो कैलकुलेट करना है। देखिए 6:30 AM और 8:10, तो हमारा एंड वाला टाइम क्या है 8:10, तो 8:10 हमने अपर साइड में लिखा 8 hours और मिनट्स वाले कॉलम में लिखा हमने 10। 8:10 कैसे लिखा जाता है 8:10, ओके। 6:30 को 6:30, अब उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 - 30। आपको पता है 10 में से 30 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो लेंगे, पर ध्यान रखना बेटा इसमें बोरो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने 1 hour बोरो लिया, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 60 + 10 = 70 मिनट्स। यहाँ पे हमारे पास कितने मिनट्स हो गए 70 मिनट्स, और आर्स के पास में कितना हुआ 8 के पास 7। 70 - 30 = 40 मिनट्स और 7 - 6 = 1 hour, तो हमारा बिटवीन का टाइम मिडिल टाइम क्या हुआ 1 hour 40 मिनट्स, ओके। सेकेंड मेथड है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4:30 AM एंड 2:15 PM। देखिए 4:30 AM सबसे पहले हमने टाइम लिया 4:30 से 5, इन दोनों के बीच का टाइम कितना हुआ 30 मिनट्स, और 5 और 12 के बिटवीन कितना टाइम हुआ 7 hours, और 12 के बाद में हमारा 2:15, तो 2 hours 15 मिनट टाइम होता है, ओके। इन सबको हमने प्लस कर लिया तीनों को, तो 7 + 2 कितने आवर्स hours हुए 9 hours, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स कितने हुए 45 मिनट्स। आया समझ में? तो टोटल हमारा क्या हुआ 9 hours 45 मिनट्स, ओके। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द फॉलोइंग 4:30 AM एंड 2:30 PM। बेटा एक तो सिंपल मेथड होता है जो मैंने पहले बताया आपको, दूसरा होता है हम इनको कन्वर्ट करते हैं 24 hour clock में। जैसे 2:30 PM दिया हुआ है हमारा, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 24 आवर्स में, तो उसमें क्या हो जाएगा 14:30, ओके। और 4:30 AM, देखिए AM को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेम ही होता है 4:30, और फिर सिंपल वे में हम माइनस कर देंगे। इसमें हमें आर और मिनट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना, ठीक है ना। 30 - 30 = 00, 14 - 4 = 10, हमारा आंसर क्या हुआ 10 hours, ओके। बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे।